नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूक्रेन और रूस में जंग जारी है, हालात बेकाबू हैं। युद्ध की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अस्तित्व को लेकर शुरू की गई ये लड़ाई का अंजाम इस कदर होगा ऐसा किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। दोनों देशों के बीच है ये युद्ध, दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। युद्ध के बीच क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। यूक्रेन में इस कदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं कि कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अस्तित्व को लेकर छिड़ी इस जंग में हालात यूं हैं कि यूक्रेन में अब आम जनता ने भी हथियार उठा लिए हैं। वहीं इस युद्ध में दोनों ही देशों में भारी तबाही हो रही है। रूस की ओर से इस युद्ध में अभी तक उसे कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई। रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री हन्ना मरियर ने फेसबुक पर बयान जारी करते हुए युद्ध के हालातों पर जानकारी दी और कहा कि रूसी सेना ने 24 फरवरी से 28 फरवरी तक यूक्रेन में 4 दिनों की लड़ाई में 29 विमान, 29 हेलीकॉप्टर, 3 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वहीं 5 एयर डिफेंस सिस्टम गवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान यूक्रेन के 191 टैंक, 816 आर्म्ड कॉम्बेट व्हीकल और 291 व्हीकल और 2 जहाजों को मार गिराया गया है। वहीं हथियारों के बारे में बात करते हुए रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना ने 74 बंदूकें, 1 बक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 21 ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को खोया है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दुश्मन के 5,300 लोगों को मार गिराया गया है। हन्ना मरियर ने कहा कि ये जानकारी सांकेतिक है और इसे अपडेट भी किया जा सकता है क्योंकि युद्ध की वजह से ऐसी जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल है। फिलहाल कमांडर मुख्य रूप से युद्ध के ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा हम केवल युद्ध के अंत में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लड़ाई बहुत लंबी हो सकती है। इससे पहले रूस ने रविवार को इस बात को स्वीकार किया था कि इस युद्ध में उसके भी सैनिक मारे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेकवोफ ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कुछ सैनिकों की जान गई है और कुछ घायल हुए हैं। उन्होंने मृतकों और घायलों की संख्या का खुलासा नहीं किया। मेजर जनरल कोनाशेकवोफ ने कहा कि यूक्रेन के सैनिकों के मुकाबले रूस में काफी कम नुकसान हुआ है। रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 1,067 सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया है, जिनमें 17 कमान पोस्ट और संपर्क केंद्र, 38 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और 56 रडार प्रणाली शामिल है। दूसरी ओर यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि रूस के हमले में अभी तक 14 बच्चों समेत यूक्रेन के 352 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में 116 बच्चों समेत 1,684 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के मंत्रालय ने रविवार को एक बयान भी जारी किया था जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कितने जवान हताहत हुए हैं। वहीं रूस ने दावा किया कि उनके सैनिक केवल यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठानों को ही निशाना बना रहे हैं और यूक्रेन के आम नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। बहरहाल लगातार यूक्रेन और रूस में बातचीत की अटकलें लग रही हैं, पर परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में ये लड़ाई और क्या रूप लेती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट।
रूस और यूक्रेन के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस युद्ध से दोनों ही देशों को काफी नुकसान हो रहा है। दोनों के ही सैनिक गवाए जा रहे हैं, दोनों ही सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी युद्ध पे विराम लगता कहीं नजर नहीं आ रहा है। हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।